नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ मनीष भोजवानी। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर न जाएं। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगाएं। इन नियमों का पालन करें और कोरोना से खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें। इन्हीं बातों के साथ अब बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। सरस्वती साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए बस्तर विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल। रासायनिक खाद की कमी को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आड़ावाल में किया गया धरना प्रदर्शन। 7 से 9 अगस्त तक बस्तर संभाग के सभी डाकघर की समस्त सेवाएं रहेंगी बंद। और बस्तर क्षेत्र में खंड वृष्टि और अल्पवृष्टि की स्थिति में सोलर पंप से किसान कर रहे सिंचाई। अब खबरें विस्तार से। शिक्षा मनुष्य की आंखें हैं जिससे वो अखिल ब्रह्मांड को देखता है। शिक्षा के बिना मानव जीवन व्यर्थ है। यह बातें सरस्वती योजना अंतर्गत साइकिल वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि की आसंदी से श्री लखेश्वर बघेल ने कही। उन्होंने कहा कि शासन के समस्त निर्देशों का पालन करते हुए स्कूली बच्चे और शिक्षक पूरी जवाबदेही के साथ शालाओं का संचालन करें। फरसापारा बस्तर में हुए सरस्वती साइकिल वितरण कार्यक्रम के दौरान विधायक लखेश्वर बघेल ने प्राथमिक और माध्यमिक शाला फरसापारा बस्तर में भवन मरम्मत के लिए 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही कन्याशाला में शाला परिसर के अंदर डोम निर्माण के लिए प्राकलन तैयार करने के लिए भी प्राचार्य को निर्देशित किया। इस दौरान श्री बघेल ने निर्माण कार्य में विलंब को लेकर लोक निर्माण विभाग को फटकार लगाई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला बस्तर में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण में हो रहे विलंब को लेकर पालकों की शिकायत पर विधायक ने अधिकारी को ऐसे लापरवाह ठेकेदारों को कार्य न देने की बात करते हुए जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। समय पर कार्य पूरा नहीं किए जाने की स्थिति में ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी उन्होंने कही। इस आयोजन में जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप, जिला पंचायत सदस्य गणेश राम बघेल, फतेह सिंह परिहार ने भी संबोधित किया। बस्तर की बात, जगदलपुर। रासायनिक खाद की समस्याओं को लेकर शहर के बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को शहर से लगे ग्राम पंचायत आड़ावाल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में उत्पन्न खाद बीज की समस्या पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा, संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू ने केंद्र की किसान विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए भाजपा सरकार की आलोचना की। किसानों को तत्काल राहत पहुंचाए जाने के लिए छत्तीसगढ़ को अविलंब भरपूर मात्रा में खाद मुहैया कराए जाने की मांग बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा की गई। सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में उत्पन्न खाद बीज की समस्या को लेकर जिला मुख्यालय आड़ावाल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना को संबोधित करते हुए शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2021 सीजन के लिए केंद्र सरकार से 11,75,000 टन रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति की मांग की गई थी, लेकिन माह जुलाई तक छत्तीसगढ़ को केवल 5,26,000 मैट्रिक टन रासायनिक खाद प्रदाय की गई। बीते 6 वर्षों की तुलना में इस साल खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को अब तक रासायनिक उर्वरकों की आधी अधूरी मात्रा ही मिल पाई है। संसदीय सचिव विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की मांगों के अनुरूप ना तो कोई कार्य कर रही है, ना ही राज्य सरकार को करने दे रही है। महापौर सफीरा साहू ने कहा कि भूपेश सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए हमें केंद्र सरकार से मदद की अपेक्षा है। धरना प्रदर्शन को सतपाल शर्मा के साथ अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। धरना के बाद प्रधानमंत्री के नाम पर जगदलपुर तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से शादी का झांसा देकर युवती से धोखाधड़ी और दुष्कर्म के मामले में कोतवाली पुलिस ने बेंगलुरु कर्नाटक से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने मैट्रिमोनियल साइट पर जीवन साथी की खोज कर रही युवती को अपने झांसे में लिया।
आरोपी ने उससे करीब 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी की और उसके साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट के बाद तत्काल मोबाइल लोकेशन के जरिए आरोपी की तलाशी शुरू की गई, जो पुलिस की टीम हुस्कर गेट बेंगलुरु में मिला। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपराध करना स्वीकार किया। इस आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर ट्राजिस्ट रिमांड पर जगदलपुर लाया गया। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। शहर में आए दिन सड़कों पर बेतरतीब तरीके से 4 पहिया वाहनों को खड़ा किया जाता है, जिसके चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। कई बार समझाइश दिए जाने के बावजूद 4 पहिया वाहन चालक अपने वाहनों को पीली लाइन के बाहर खड़ी ना कर सड़क पर ही खड़ी कर देते हैं। ऐसे वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा चालान की कार्रवाई की जा रही है। 4 पहिया वाहन के चक्के पर लॉक लगा दिया जाता है, ताकि उसे उस जगह से हटाया ना जा सके। कार्रवाई के बाद लॉक को खोल दिया जाता है। कुछ वाहन चालक यह बहाना भी करते नजर आते हैं कि उन्हें इस तरह की कार्रवाई के संबंध में जानकारी नहीं है। इसी तरह का मामला शुक्रवार को नजर आया, जब नारायणपुर के वाहन चालक ने कार को सड़क पर पार्क किया और लॉक लगे वाहन को ही चलाने का प्रयास किया, जिससे लॉक टूट गया और 200 रुपये की जगह 2000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा। यातायात प्रभारी कौशलेश देवांगन ने कहा कि लोग नियमों का पालन करें और अधिक से अधिक जागरूक हो सकें और हमें और खुद को परेशान होने से बचाएं। बस्तर जिले में खंड वृष्टि और अल्पवृष्टि जैसी समस्याओं के बीच सूरज की रोशनी खेतों की प्यास बुझा रही है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेती किसानी में मौसम की अनिश्चितता को दूर करने के लिए सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में परंपरागत बिजली के तार नहीं हैं, वहां सोलर पंप की व्यवस्था दी जा रही है। छत्तीसगढ़ और सुजला योजना के तहत किसानों को 3 HP और 5 HP के पंप अनुदान पर दिए जा रहे हैं। सन 2018 से अब तक बस्तर जिले में 2577 सौर सुजला पंप स्थापित किए जा चुके हैं। सौर सुजला योजना से लाभान्वित सतोसा के किसान आसमान कोराम भी कम बारिश के कारण अपने खेत को सोलर पंप से सिंचाई करने के बाद रोपाई करते मिले। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे, अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर संभाग में समस्त डाकघर CSI रोल आउट यानी कोर्स फोर सिस्टम इंटीग्रेशन में अपग्रेड होने जा रहे हैं, जिससे कस्टमर को रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल की ट्रैकिंग सुविधा मिलेगी और भी अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इस बात के मद्देनज़र बस्तर संभाग के सभी डाकघर और डाक सेवाएँ दिनांक 7 अगस्त से 9 अगस्त तक 3 दिनों तक बंद रहेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए डाक अधीक्षक RP वर्मा ने हमारे संवाददाता को बताया। CSI रोल आउट होने के कारण हमारे बस्तर संभाग के सभी डाक सुविधाएं दिनांक 7 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त तक प्रभावित रहेंगी और 10 अगस्त से सभी सेवाएं प्रारंभ हो सकती हैं। इसके लिए मैं सभी आम जनता के सुविधा के लिए मैं खेद करता हूं। सर, जो बस्तर संभाग के सभी पोस्ट ऑफिस हैं उन्हें CSI किया जा रहा है, जी, इसका क्या लाभ मिलेगा सर? CSI पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में केवल बस्तर संभाग ऐसा था जहां पर अभी नहीं हुआ था,
तो अभी हम 10 तारीख से CSI में हम रोल आउट होने जा रहे हैं। इसमें मेन हमारे जो आम ग्राहक है वो जो रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट या पार्सल जो पोस्ट करेंगे उनको हम ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकेंगे, इससे ये महत्वपूर्ण फ़ायदा होगा। और डिलीवरी तक मतलब आप उनके मैसेज आएगा उनके मोबाइल में बुकिंग से लेकर के डिलीवरी तक वो पता कर पाएंगे। मतलब सर इससे उपभोक्ता को पोस्ट ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, उनका डाक सही जगह पहुंचा या नहीं इसकी जानकारी ऑनलाइन हो जाएगी। जी हाँ, जैसे कभी उनके प्रेषक प्राप्तकर्ता को प्रेषक द्वारा भेजा जाता था तो उनको नहीं मिलता था तो पोस्ट ऑफिस आके भटकते थे, तो वो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मोबाइल से उसका ट्रैक एंड ट्रेस कर सकेंगे। आगामी 8 अगस्त को प्रसिद्ध साहित्यकार भीष्म साहनी पर स्थानीय प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा एक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया जाना है। हानुष माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में और मुआवजे जैसे नाटक रचने वाले भीष्म साहनी के तमस उपन्यास पर टीवी धारावाहिक भी बन चुका है। नया पारा स्थित पत्रकार भवन में दोपहर 3:30 बजे भीष्म साहनी पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रलेश सचिव योगेंद्र सिंह राठौर साहनी जी के नाटकों पर आलेख पढ़ेंगे। संस्था अध्यक्ष जगदीश चंद्र दास ने इस कार्यक्रम में नगर के सुधीजनों और साहित्य प्रेमियों से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की है। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरस्वती साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए बस्तर विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लकेश्वर बघेल। रासायनिक खाद की कमी को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आड़ावाल में किया गया धरना प्रदर्शन। 7 से 9 अगस्त तक बस्तर संभाग के सभी डाकघर की समस्त सेवाएं रहेंगी बंद। और बस्तर क्षेत्र में खंड वृष्टि और अल्पवृष्टि की स्थिति में सोलर पंप से किसान कर रहे सिंचाई। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।